हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। बोला जाता है, कोई पाकिस्तानी बाहर निकल के बोलता है कि डॉक्टर अमजद मुझे पता है वो कनाडा में, दूसरा निकलता है वो बोलता है वो मुझे पता है वो फ्रांस में, और तीसरा बोलता है स्कॉटलैंड में, और चौथा बोलता है अमेरिका में। उन सबको भी नहीं पता कि वो डॉक्टर अमजद है कहाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो हालत है कि आपका आज पिछले 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 48 घंटे से आपके खिलाफ कंटिन्यूअस कैंपेन चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आपके खिलाफ, सारे चैनल से हेडलाइन बना रखी है कि डॉक्टर अमजद, जैसे कि डॉक्टर अमजद ना हो भाई, ये जो जैसे मियां खलीफा ने ट्वीट किया था उससे ज्यादा बड़ी खबर बन गई आपकी। तो ये क्या सिचुएशन है भाई आपके, आप एक आदमी से पाकिस्तान कैसे हिल गया, क्या मतलब आपने इतना बड़ा किया क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं कहां रहता हूं, और पाकिस्तानी ISI को भी बता देता हूं कि मैं कहां रहता हूं। मैं हिंदुस्तान के हर उस शख्स के दिल में रहता हूं जो अखंड भारत का ख्वाब देखता है, जो अमन का ख्वाब देखता है, और जो पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय जो जमीन है और भारतीय जो लाखों नागरिक हैं उनकी आजादी का ख्वाब देखता है, मैं उनके दिल में रहता हूं। दूसरी बात ये आपने की कि ये क्यों इतना मेरे पीछे पड़ गए हैं। देखिए, इसलिए कि मैं हमेशा ये कहता हूं, और मैं अपने कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी ये कहता रहा हूं कि अगर आप बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे, यानी आप पाकिस्तान को भी खुश रखना चाहेंगे और भारत को भी खुश रखना चाहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि आप फिर दरिया के बीच में तैर रहे हैं, और जो शख्स दरिया के बीच में तैरता है वो बिल आखिर थक के डूब जाता है। आपको किनारा पकड़ना पड़ेगा, आपको या ये बांगे दोहल ये ऐलान करना पड़ेगा कि हाँ हम भारत के साथ हैं, या फिर बांगे दोहल ये ऐलान करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के साथ। बीच का रास्ता नहीं है। मैंने ये किनारा भारत का पकड़ा है, और मैंने ये बबांगे दोहल ऐलान किया है कि असल में हम लोग भारतीय नागरिक हैं। 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा ने वॉलंटरली भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए हैं। उसने कोई वैली के लिए साइन नहीं किया, उसने पूरी रियासत के अंदर शामिल तमाम प्रोविंसेस के लिए साइन। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इलाके आजाद हो गए, कुछ आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, और यूनाइटेड नेशन में उसको मुतनाजा इलाका जात कहा जाता है। इस तरह से मैंने फिर लास्ट टाइम UN में जो तकरीर की थी उसमें मैंने कहा था, और ये पहली दफा किसी ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर 22 अक्टूबर 1947 और उसके बाद आज तक जो पाकिस्तान करता रहा हम लोगों के साथ और वादी में, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलाया जाए। फिर मैंने ये अपील की यूनाइटेड नेशन में कि CPAC के तहत जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये नल एंड वॉइड करार दिए जाए, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी के ऊपर कैसे पाकिस्तान और चाइना बैठ के तो ये मुआहदे कर सकता है और हमारी धरती का सीना चाक कर सकता है और हमारे दरख्त काट सकता है, हमारे दरियाओं पर कब्जा कर सकता है। तो ये वो लाइन है, ये वो गुफ्तगु है जो के पाकिस्तान को बिल्कुल ही एक थिन आइस पर ले आया है। और फिर आप जानते हैं कि 56 इस्लामी ममालिक में से सवाए तुर्की और मलेशिया के, मलेशिया भी अब पीछे हो गया, उन्होंने उनका जहाज उतार लिया, किसी ने भी पाकिस्तान की कश्मीर पे जो मौकफ है उसकी हमायत नहीं की, उसको इंडोर्स नहीं किया। सो मच सो के OIC ने अपना सेशन तक नहीं बुलाया, बल्कि जगह जगह भारत के वजीर आजम और भारत के जो लीडरान हैं भारतीय सरकार के, उनको दावत दी, उनको बुलाया, उनके साथ मुआहदे किए। इवन के सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलायंस के साथ मुआहदे किए। तो इस सारी सूरत हाल में
वो समझते हैं कि अगर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को हम टारगेट करेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरफिरा मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो अगर इनको कहीं बाजार में देख ले या कहीं देख ले तो इनको मार देगा। तो ये उनकी भूल है, इसलिए कि मेरा ये ईमान है कि ना हम कभी पैदा हुए और ना हमने कभी मरना है, हम हमेशा से थे और हम हमेशा से रहेंगे। देखिए, जब तक खैर और शर का तजाद मौजूद है, ये अबद से है, शुरू से खैर और शर, अच्छे और बुरे की लड़ाई शुरू से है और ये हमेशा जारी रहेगी। देखना ये है कि इसमें मुख्तलिफ अदवार में जैसे शर खैर पर हावी हो जाता है, हमारी कोशिश है कि खैर शर पर हावी, लेकिन शर खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेगा अगर खैर की पता हो। तो मैं तो खैर और शर की इस लड़ाई में हमेशा से था, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और आगे भी रहूंगा कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। ये जो हमारा शरीर है, फिजिकल प्रेजेंस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई बात नहीं। आत्मा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ख्यालात और नजरियात ट्रांसफर हो जाएगी, मेरी गुफ्तगू की वजह से जो रोशनी के दिए जले हैं वो कभी भी नहीं बुझ सकेंगे, कभी भी नहीं। सर, आप लाखों उन यूथ्स की, आप पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के मीरपुर से बिलोंग करते हैं, वहां पे लाखों यूथ आपको अपना गुरु मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, तो ये लोग आपसे चिढ़ते क्यों? इतने सारी आपकी फैन फॉलोइंग है, बलूचिस्तान के लोग आपको मानते हैं कि आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, इतनी फैन फॉलोइंग के बाद ये लोग आपसे क्यों चिढ़ते हैं? ये लोग आपसे इसलिए चिढ़ते हैं कि क्योंकि आप ये बोलते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है और ये लोग इस्लाम के नाम पे कमा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम को कमाई का जरूरत। तो ये मुझे बताइए कि इस्लाम में जब लिखा है कि आप रमजान के टाइम पे झूठ नहीं बोल सकते, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या झूठ नहीं बोलती रमजान के टाइम पे? क्या उन्होंने मान लिया था दाऊद हमारे पास है? क्या उन्होंने मान लिया था कि हम टेररिज्म भेजते हैं? नहीं, झूठ बोल रहे थे। आप सनातन धर्म को अपना धर्म मानते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है आपके इस बात से कि आप सनातन धर्म को अपना धर्म मानते हैं? देखिए, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस रियासत की जो इंटेलेक्चुअल या सुपर स्ट्रक्चर के जो सतून है वो इस्लाम हो और वो दो कौमी नजरिया हो, यानी हिंदू नफरत की बुनियाद पे कायम दो कौमी नजरिया हो, और मैं उसकी बुनियादों में, उसकी फाउंडेशंस को ब्लास्ट कर रहा हूं और उस इमारत को गिरा रहा हूं, तो उससे तो जाहिर है ये चिढ़ेंगे। देखिए ना, इस्लाम जो है वो अरब मजहब है, और इस्लाम जो है बेसिकली वो आया कैसे बरसगीर में? वो इस तरह से आया कि जब अरबों ने, अरब इंपीरियलिज्म ने, अरब साम्राज्य ने जब फैलाव इख्तियार किया और भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ और इंडस सिविलाइजेशन की तरफ रुख किया, तो वो अपने साथ अपना एक कल्चरल नैरेटिव भी लाया, और वो कल्चरल नैरेटिव जो है उसको उसने फिर मुसल्लत करके इंडिजिनस कल्चर्स को खत्म किया, और उसकी असरात आज भी जाहिर हैं। रोज भाई, आप देखो कि भारत में पढ़ाया जाने वाला जो सबक है, तारीख है, या स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें गौरी, गजनवी, मुगलों को, इन टीपू सुल्तान को, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ऐसे हिंदू वॉरियर को ग्लोरीफाई किया गया जिसने अरबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसने गजनवी के खिलाफ लड़ी हो या गौरी के खिलाफ लड़ी हो? तो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस और वो कल्चरल हेगेमनी, वो बालादस्ती, वो गलबा सकाफत का, वो आज भी जारी है और मैं उसको जड़ों से काट रहा हूं। इसलिए ये खाइफ है कि एक मुसलमान घराने में आंख खोलने वाला बच्चा जो है, यानी वो कैसे अरबों के मजहब के खिलाफ सनातन धर्म को पसंद करता है। और ये वही मिसाल है कि जैसे फिरौन के घर में मूसा पैदा हो गया। तो सर, ये जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो गजनी और गौरी को अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, तो वो आपको कहां से वो टॉलरेट कर पाएंगे? लेकिन आपके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे आदमी छोड़ रखे हैं, ऐसा पता लगता है इनकी बातचीत से, ऐसा पता लगता है इनके पोस्ट से। आप अपना ख्याल रखिएगा,
और थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा। फाइनल फाइनल क्वेश्चन जिसे आप 30 सेकंड में मुझे जवाब दे दे तो बेहतर होगा। पाकिस्तानी आर्मी इतना क्यों आपसे डरती है? क्यों मतलब इतना आपको मारने के लिए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे हेडलाइंस पे हेडलाइंस आपको आपको बिलियनाइज बिलियन बता रही है, उसके अपने कहीं जो बिजनेसेस है उस पे इम्पैक्ट तो नहीं होता आपके आप जो प्रीच करते हैं उससे? देखें, मेरी जो प्रीचिंग है, मेरी जो तबलीग है, मेरी जो रोजाना की बुनियाद पे जो मेरा प्रचार है, उसके नतीजे में पाकिस्तानी आर्मी का जो एक मस्नूई इन्फ्लुएंस है लोगों के जहनों पे, वो तहलील होता है, वो डाइल्यूट होता है। और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि ये फाइटिंग आर्मी नहीं है, ये दलाल हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बिजनेस एंटरप्राइज है, ये तो सिविल को भी बर्दाश्त नहीं करते नवाज शरीफ को कि वो सी पैक में सिविलियन ठेकेदारों को ठेके दे। तो दूसरी बात इनके खौफजदा होने की ये है कि इनके पाकिस्तानी फौज के अंदर भी लोग मुझे सुन रहे, आप हैरान होंगे शायद, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो सिपाही रैंक के लोग हैं या जो बलोच ऑफिसर्स हैं या सिंधी ऑफिसर्स हैं या बल्तिस्तान के ऑफिसर्स हैं, ये जो पीओजेके के ऑफिसर्स हैं, वहां से ताल्लुक रखने वाले जो लोग ऑफिसर्स इसमें शामिल है पाकिस्तान आर्मी में, वो मेरी बातें सुन सुन के उनके अंदर भी बगावत के जरासीम पैदा होना शुरू हो गए। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि पिछले महीने जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के जो पाकिस्तान के चीफ हैं, उन्होंने 400 ऑफिसर्स को, बल्कि 400 से भी ज्यादा है, 400 से ज्यादा ऑफिसर्स को उन्होंने जबरन रिटायर किया है, यानी फोर्सफुली रिटायर होने पर मजबूर किया है। इनमें मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के ऑफिसर्स शामिल है, ये कंफर्म मैं आपको खबर बता रहा हूं। और वो जो इन्होंने बर्तरफ किए हैं, वो बेचारे वो ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक पश्तूनिस्तान से है, पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, सिंध से और बल्तिस्तान से। और इसमें कई ऐसे नौजवान ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझसे राबता करके मुझे ये बताया है कि आपको पाकिस्तानी फौज के जो अकलियती कौमों से जो ताल्लुक रखने वाले अफसरान हैं और खास तौर पर जो सिपाही रैंक के लोग हैं, हवलदार हैं, सिपाही हैं, लांस नायक हैं, इस लेवल के लोग आपको छुप छुप के सुनते हैं, आपके रेडियो हिमालिया को और आपकी वीडियोस को छुप छुप के देखते हैं। ये मुझे कंफर्म वहां से आर्मी ऑफिसर्स ने खुद बताया। तो जाहिर है वो फिर डरेंगे, क्योंकि आप जब पेनिट्रेट कर गए पाकिस्तानी मिलिट्री के उस लेवल तक आपकी बात पेनिट्रेट कर गई और वो सुन रहे हैं, वो सोचने पे मजबूर हो गए, तो उसका क्या मतलब है रोहित भाई? इसका मतलब है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत के जरासीम पैदा हो गए, इसका ये मतलब है, इसलिए वो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को खत्म करना चाहते हैं। राइट, तो जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो तो आप ये समझिए आपने अपना एक मार्क बना दिया है, आपने अपना एक स्पॉट बना दिया है और अब आपको रोकना मुश्किल है। देखना है जोर कितना बाजू एक कासिल में है। डॉक्टर अमजद मिर्जा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और